और लगातार नेल कर रहे थे तो ही कैन बॉल ऑल्सो बैटिंग में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है जैसे उन्होंने ओपनिंग करी शॉर्ट बॉल कितनी बढ़िया खेलते हैं एक नजर आ रहा है कि पोटेंशियली आप इन्हें टॉप पे खिला खिला सकते हैं लेकिन समस्या क्या है मैनेजमेंट के साथ इन्हें आप खिलाएंगे कहां पर हेलो एंड नमस्कार आप देख रहे हैं इनसाइड स्पोर्ट्स और मेरे साथ हैं सौरव यदुवंशी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच विच विल बी प्लेड एट द सवाई मान सिंह स्टेडियम इन जयपुर और वहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कौन से दो खिलाड़ी हैं जिनको आज भारतीय टी ट्वेंटी में डेब्यू करने का मौका मिलेगा और वो दोनों एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वेंकटेश अयर दल ऑलराउंडर एंड आवेश खान फास्ट बॉलर सौरव आ, ये दोनों एक्सपेक्टेड हैं डेब्यू करेंगे और ग्रेट डे फॉर बोथ द प्लेयर्स एंड इंडियन टीम अभी से कह रहे हैं हमें सुनने में आ रहा है कि 2022 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू कर रही है बिल्कुल और और ये ये दोनों ही जो क्रिकेटर्स हैं इनका एमपी का कनेक्शन है विवेक दोनों ही मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चाहे आवेश खान हो चाहे वेंकटेश अय्यर हो और क्या कमाल की कहानी है दोनों क्रिकेटर्स की पहले वेंकटेश अय्यर पे आते हैं जिनको मोस्ट प्रॉबेबली आज मौका मिल सकता है यहाँ पर डेब्यू मिल सकता है टी का पहला मैच खेल सकते हैं एक साल पहले चले गए विवेक कोई जानता भी नहीं था जानना आप जानते हो ना बहुत कम लोग यहाँ पर जानते थे कि भैया कौन है वेंकटेश अय्यर फर्स्ट क्लास सर्किट में 2018 में डेब्यू किया था मध्य प्रदेश के लिए और विद इन विद इन वन सीजन परफॉर्म किया फिर नज़रों में आए के के आर के और के के आर के लिए क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया अगर हम इस साल के आईपीएल की बात करें सबकी नज़रें उन पर थी और उनको पोटेंशियली देखा जाने लगा कि ये तो हार्दिक पांड्या से भी शायद बेटर कर सकते हैं उसी खेमे का ने प्लेयर माना गया और मोस्ट ऑफली चांस मिल सकता है एक और कमाल की कहानी है जो कि वेंकटेश अय्यर की मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ वेंकटेश अय्यर एक सी ए क्वालिफाइड सी हैं लेकिन उन्होंने ड्रॉप आउट किया वहाँ से एम फिर फाइनेंस में ज्वाइन करी ताकि अपने क्रिकेटिंग करियर पे फोकस कर पाएं right. और वैसे बोलते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री क्या कमाल का डिसीजन था उनका और मोस्ट पबली आज मिल सकता है कमिंग बैक टू क्यों चांसेस हैं और क्यों बेटर रहेगा टीम इंडिया के लिए अयर को खिलाना वे क्योंकि वी कैन के मेक इट आउट एक तो उनकी हाइट लंबी है छह okay. फुट चार इंच हाइट है लेट्स कंपेयर इट विद हार्दिक पांडे हार्दिक की हाइट है छह फुट तो अगर आप गेंदबाजी में भी देख रहे हैं हार्दिक ये six है और आपने देखा होगा के 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 लिए गेंदबाजी डेथ ओवर्स में भी करी थी इन्होंने और यॉकर्स लगातार नेल कर रहे थे तो ही कैन बॉल ऑल्सो बैटिंग में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है जैसे उन्होंने ओपनिंग करी शॉर्ट बॉल कितनी बढ़िया खेलते हैं एक नजर आ रहा है कि पोटेंशियली आप इन्हें टॉप पे खिला खिला सकते हैं लेकिन समस्या क्या है मैनेजमेंट के साथ इन्हें आप खिलाएंगे कहां पर क्योंकि इज एन ओपनर ओपनर है तो अगर आप इन्हें बॉलिंग ऑर्डर खिला रहे हैं तो एट मीस थोड़ा सा फिर ये नीचे खेलने आएंगे मिडिल ऑर्डर में जगह बनानी पड़ेगी तो अपने आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आवेश खान जैसे अभी विवेक ने बताया आवेश खान सेकंड डब्यू मोस्ट प्रॉब्ली मिल रहा है आवेश खान को उनकी भी कहानी बड़ी कमाल के बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और एम के लिए वो भी खेलते हैं और दो हजार में सबसे ज्यादा विकेट लिए एम के लिए लगभग पैंतीस विकेट लिए और डेली कैपिटल से फिर उन्हें परचेज किया और अच्छी बात पेस कमाल का है 140 प्लस पिछले सीजन में खराब बॉलें बहुत कम डाली और नेट बॉलर सेलेक्ट हुए थे ने? नेट बॉलिंग के लिए सिलेक्ट हुए तो सिलेक्ट हुआ था और इससे पहले भी इनका इतिहास है अंडर 19 विश्व कप में भी भारत के लिए खेल चुके हैं तो नाम उठाता है ना उठाता। ना उठाता। उसी वक्त जब उनको गेंदबाजी करते देखा गया तो लोगों ने बोला था गेंद में गति है तेज है रफ्तार है तो इस चीज़ से उनका तभी से उन लोगों ने उनकी नज़र उन पे पड़ी की। तेज कि ये तेज़ गेंदबाज क्योंकि आज से कुछ चार पांच छह साल पहले इंडियन बोलिंग को उतना पोटेंट फोर्स नहीं माना जाता था जितना कि अब माना जाता है तो अब आवेश खान जैसे युवा भी आ रहे हैं तो तब उनको खास कर देखा जाता था कि क्या ये आगे के स्टार हैं और अब इन्होंने अब इनको मौका मिलने वाला है भारत के लिए पहला टी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का और एक सबसे अच्छी बात आवेश की क्या लगी आप अगर उन्हें लाइक दो सीजन पहले देखो आईपीएल में तो तीन चार बॉलें अच्छी एक बॉल कहीं ना कहीं खराब हो रही थी लाइक बैट बॉल आ रही थी हर ओवर में लेकिन इस सीजन क्या कमाल की बॉलिंग करी वहां इंप्रूवमेंट देखने को मिला है यॉकर्स कमाल की फेंक रहे हैं लगातार और नई बॉल से क्या पेस जनरेट कर रहे हैं वन फोर्टी प्लस कंस्टेंटली क्लॉक कर रहे हैं तो इन दो यंगस्टर्स पे शायद अय्यर एंड आवेश खान आप शायद नोट कर लीजिए मोस्ट है और हम जल्दी से अब एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन बता देते हैं।, हैं क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्लेइंग इलेवन होने वाला है वो होंगे कप्तान रोहित शर्मा बिल्कुल ओपनर उनके साथ होंगे के राहुल

कोर्स आवेश दी डेब्यूटेंट एंड मोहम्मद सिराज मोहम्मद सिराज कभी ऐसे देखा जाए तो सिर्फ टी, -टी ट्वेंटी, -ट्वेंटी खेले तो अगर हम अपने तेज़ गेंदबाज़ों को देखें तो उतना ज़्यादा अभी इंटरनेशनल मैचेस नहीं है मगर ये लोग इतने एक्सपोजर मिल चुका है थ्रू आईपीएल एंड थ्रू डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट कि ये लोग इस प्लेटफॉर्म पर भी खेलने के लिए रेडी हैं बिल्कुल और एक इसमें यू you नो know, बड़ा नाम जो मिसिंग है जो कि टीम में बैठा है वो है भुवनेश्वर कुमार क्या भुवनेश्वर कुमार को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे ऐसा लग रहा है कि भुवनेश्वर को शायद बाहर बैठा दें लेकिन इतने एक्सपीरियंस है यू नेवर नो ही माइट गेट आई यू नो गो हेड के चलो दोबारा फॉर्म आप पा लो क्योंकि इतना सीजन इतना क्रिकेट पड़ा है तो आई थिंक मिल भी सकता है चांस बिल्कुल और दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स दिस इज विवेक प्रभाकर सिंह सौरभ येद्वंश एंड कैमरामैन संदीप सिंह सेइंग गुड बाय थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इनसाइड स्पोर्ट्स